आज हम वचन देखेंगे। आज का वचन यही है, भजन संहिता 118 का 15। यही वचन से आज हम मनन करेंगे। आज पहला दिन है तो सुबह सुबह यही वचन, ऐसे पहले से ही धर्मियों को बारे में आते रहा, तो आज का दिन यही आवाज आया धर्मियों के तंबू में, उद्धार की जय जयकार की ध्वनि है। क्यों? यीशु मसीह क्रूस पे जय जयकार के ध्वनि सुनाया, इसलिए हम सब लोग जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो हमारा तंबू में भी जय जयकार की ध्वनि है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे भजन संहिता 118 का 15 वचन। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। तो ये वचन दाऊद कहता है, वो अपने जीवन में जो परमेश्वर उनको जय दिया, उनको बचाया, सबके बारे में परमेश्वर की महान कामों को बोलते हुए वो इधर बता रहा है। हम भी अपने जीवन में हम देखते हैं, हम कैसे थे पहले, हम पापी थे, हमको बचाने के लिए परमेश्वर पिता दया का धनी अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। तो जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग नाश नहीं होते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। तो हम लोग अनंत जीवन पाए हैं, इसलिए हमको पता है हम लोग धर्मी व्यक्ति है, हम यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ एक धर्मी है करके हमको विश्वास रखना, हमेशा ये मन में रहना। शैतान आके दोष लगाएगा, तुमने वो किया, तुमने ये किया, देखो तुम तो पापी है। भले हम पहले थे लेकिन जब हम मसीह में आ गए हम लोग धर्मी जन है। तो इसको आपको हमेशा याद रखना, भले हम गलतियां किए हैं तो भी हम तुरंत माफी मांग लेना, तुरंत यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आपका लहू से मुझे साफ कीजिए। वो तुरंत हमारा पिता हमको साफ करते हैं, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो कुछ लोग ऐसे पता नहीं चलता है, वो लोग दोषित मन में ही रह रह के कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे दोषित मन आते रहेगा, तुमने वो किया ये किया करके ऐसे एक जगह पर शैतान उसको बैठा देता है। जिस दिन हम उठ के यीशु मसीह का लहू से हम विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तभी हम जय पाते हैं। तो यीशु मसीह का जय हमारे लिए दिया गया है। तो इस दर हम देखते हैं दाऊद कहता है, सबको बोलता है, मतलब इधर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है करके शुरुआत में स्टार्ट होते हुए उनका भलाई को, उनका अनुग्रह को बताते हुए वो कितना भला है करके एक 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 वचन में आप पढ़ेंगे 118, उसमें इतना सारा उनको परमेश्वर किया है करके वो बता रहा है। मतलब ऐसे शब्द भी हमारा जीवन में भी बोलने के लिए भी नहीं होता होगा, लेकिन इतना सामर्थ्य काम हम सबके जीवन में परमेश्वर ने किया है। यहाँ बोलते हैं, इज़राइल तुम बोलो उसकी करुणा सदा की है, और हारून का घराने बोलो उसकी करुणा सदा की है, और यहोवा के दरवाजे कहो उसकी करुणा सदा की है। इसका मतलब सब लोग बोलो उसकी करुणा सदा की है। उस करुणा को, उस अनुग्रह को हमको भी मनाना है, जश्न मनाना है, हम आनंद मनाना है क्योंकि उसका करुणा सदा की है, उनका अनुग्रह हमेशा है। आज भी, आज का दिन भी उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जहाँ बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, वहां भी उसका अनुग्रह हमें खाता है, हमको तसली देता है, हमसे बातें करता है, हमको गले लगाता है, ऐसा ही है उसका अनुग्रह। यहाँ हम देखते आ रहे हैं, इतने लोग मुझे घेर लिया, मेरा शत्रु मुझे घेर लिया, वो भी मधुमक्खी के जैसे, मधुमक्खी का छत्ता होती है ना, वहां देख के जैसे मधुमक्खी रहता है, वैसे ही इधर दाऊद कहता है, मधुमक्खी जैसे मुझे शत्रु घेर लिया था, लेकिन परमेश्वर उनको नाश किया करके यहाँ अपने जीवन में जो परमेश्वर किया हुआ बड़े भले कामों को यहाँ दाऊद बोलते हुए उसको धन्यवाद
बोलता है। इसका हेडिंग में भी आप देखेंगे ना, विजय के लिए धन्यवाद ऐसे करके लिखा है। जो दाऊद के जीवन में परमेश्वर विजय दिया उसके लिए वो धन्यवाद बोलता है। तो वो वचन हम देखेंगे, 12 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा, है ना। तो मधुमक्खी जैसे ही उन लोग आ गया, लेकिन वहां लिखा है जैसे ही खाटा, जो सूखा हुआ लकड़ी, खाटा क्या होता है, आग रखने से तुरंत जल जाता है, वैसे ही वो लोगों को मैं यहोवा के नाम से नष्ट करूंगा करके वो कहता है। तो आज भी हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा हमारा जीवन में भी जो भी शैतान काम कर रहा है उसको वो नष्ट करेगा। उस समय पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं है, सबके अंदर नहीं है। जब जरूरत है जो पवित्र आत्मा आता था, वो लोग भविष्यवाणी बताते थे, परमेश्वर के लिए काम किए हैं, फिर पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन नया नियम में हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उस पवित्र आत्मा हम स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद बोलते हैं, हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, उस समय उस पवित्र आत्मा हमारा शरीर में काम करते हैं। वो भस्म करने वाली आग के करके लिखा है, तो वो आग क्या करेगा, जैसे शैतान को वो नष्ट करेगा, जैसे ही सूखा हुआ लकड़ी काटो कैसे जल जाता है, वैसे ही दुष्ट शैतान भी भस्म हो जाएगा। ये हमको विश्वास करना। यहाँ लिखा है धर्मियों के तंबू में, एक तो हमारा घर बताता है, एक तो हमारा शरीर को बताता है, ये तंबू है, इस तंबू में हम लोग निवास करते हैं। पौलुस लिखा है ये तंबू में मैं रहता हूं करके, ये हमारे लिए दिया हुआ एक तंबू है, तो इसके अंदर जय जयकार की ध्वनि सुनाया, कौन, हमारा यीशु मसीह, क्रूस पे जय जयकार की ध्वनि सुनाया, शैतान की सारे कामों को वो नष्ट किया, उनकी सारे अधिकार को वो छीन लिया, छीन के जय जयकार की ध्वनि सुनाया, तीसरा दिन जी उठा। उस यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, वो हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर जो शैतान है उसको वो नाश करते हैं, हमारे अंदर सब जगह पर सब एरिया में जय मिलती है। यही है धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि, वो भी उद्धार का, उद्धार मतलब छुटकारा, किसने से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, जो भी पाप किए हैं उनके लिए मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम सब लोग पापी थे, तो हमको मृत्यु था, रखा गया था, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हमारा मृत्यु को वो नाश किया, हमको जीवन दे दिया, तो उसमें से हम बच गए हैं, हमको अनंत जीवन मिल गया, नाश होने से हमें बचाया। कर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाया, उद्धार की, उद्धार छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा हमको मिल गया, गुलामीपन से छुटकारा मिल गया, शैतान की बंधन से हमें छुटकारा मिल गया, बीमारियों से छुटकारा मिल गया, श्रापों से छुटकारा मिल गया। इतना ही नहीं, हमारा परिवार एक जन यीशु में आते हैं, धीरे धीरे देखिए उस परिवार में पवित्र आत्मा काम करते हैं, यीशु मसीह वहाँ काम करते हैं, हमारा लिए करते हैं, हमारा परिवार में जितनी लोग अभी तक उद्धार नहीं पाया वो लोग भी उद्धार पाना है, एक भी आत्मा नरक नहीं जाना है, हम लोग स्वर्ग जाना है, हमारे यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को उठा लिया जाएगा, उस समय इसमें हम भी जुड़े रहेंगे, हमारा भाई बहन, हमारा परिवार वाला जो लोग उद्धार नहीं पाया वो लोग भी आना है, सब लोग हम रहेंगे, यीशु आएगा, हम सब लोग यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, ये हमारा लिए एक आशा है। तो यही को इसको आप विश्वास करना, आज से आप बोलते रहना, मैं एक धर्मी हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ धर्मी हूँ, मेरे तंबू में जय जयकार की ध्वनि है, क्योंकि यीशु मसीह विजयी हुआ, यीशु मसीह
विजय हुआ क्रूस पे, विजय हुआ, शैतान की कामों को नाश किया, वो जय जय कर की ध्वनि सुनाया, वो जी उठा, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। हम आज जिंदा है ना, यीशु जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदे हैं, जिंदा है, क्योंकि हम मरेंगे तो भी हम लोग अनंत जीवन में ही प्रवेश करेंगे। भले ही शरीर इस दुनिया में चले जाता है ना, इस शरीर से हमारा आत्मा निकल जाता है, भले इस शरीर बोया जाता है, लेकिन जब यीशु आएगा इस शरीर को भी महिमा मिलेगा। समझ आया? यीशु मसीह आते हैं तभी हमारा शरीर पुनरुत्थान पाएगा, तब तक इस शरीर को पुनरुत्थान नहीं है। भले हम मर जाते हैं, हमारा प्राण, हमारा आत्मा तो पहले से यीशु जैसे हो गया है, लेकिन हमारा आत्मा वचन से होते रहता है, लेकिन हमारा शरीर नहीं हुआ। जब यीशु मसीह का आगमन आएगा तभी शरीर पुनरुत्थान पाएगा, महिमामय शरीर पाएगा। तब तक हम इस तंबू में ही रहते हैं। इस तंबू एक नाशवान शरीर है, इस नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, कब? यीशु मसीह के आगमन में। ये हमारे लिए आशा है, ये ही धन्य आशा है, महिमा की आशा। यीशु मसीह हमारे अंदर है, यही है रहस्य है। इस रहस्य के हम लोग अनुदिन अनुभव करना, हमारा जीवन में लेके आना, वचन के द्वारा बोलते रहना, और भी आप पीछे से देखते रहे, आज का दिन यहोवा बनाया, इसमें हम आनंदित होना है। हर एक इंसान को प्रकाशित करने वाला हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, वो जगत की ज्योति हमारे अंदर आया, वचन हमारे अंदर आया, हम भी जगत की ज्योति बन गए हैं। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, दुनिया की नमक हो, है ना? हम लोग भी प्रकाशन देते रहेंगे, कब? वचन के द्वारा, खुद का नहीं, खुद का हम लोग हमारे जीवन में है ही नहीं। जब हम पहले अंधकार में थे, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमको ज्योति में प्रवेश कराया, हमारा प्रिय पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश कराया, इसलिए हम ज्योति के संतान हो गए हैं। तो इस बातों को हम प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं। हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अद्भुत काम होती है। यहाँ यही बोलता है दाऊद, मैंने विनती किया, मैंने दुख के समय परमेश्वर की ओर विनती किया, वो मेरी सुनी, सुन के मुझे ऐसे ही रास्ता, ऐसे जगह पर रखा, एकदम चौड़ा रास्ता पे लेके आया करके यहाँ बोलता है दाऊद। पांचवा वचन में लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हाँ, ऐसे एक दुख के समय में मैंने पुकारा, वो मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचा दिया। ऐसे ही था, चारों तरफ ऐसे ऐसे दबाव था, लेकिन दबाव से मुझे बाहर लेके आया, यही यहाँ दाऊद कहता है। तो इसी बातों को भी हमारा जीवन में भी हम देख सकते हैं, ऐसे कुछ बात हमको दबाता था, लेकिन उसमें से भी हमको पवित्र आत्मा हमको छुटकारा दिया। तो वही बातों को हम प्रेरितों के काम में हम देखेंगे। पौलुस के बारे में हम जानते हैं, पौलुस को परमेश्वर चुन लिया, माँ के गर्भ से चुन लिया, हमको भी माँ के गर्भ से चुन लिया। यहाँ देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पौलुस और सिलास दोनों को वो लोग मारा, और वो लोग बंदी गृह में रखा था, और इधर लिखा है उनको क्या क्या किया वो लोग। 16 अध्याय 23 और 24 में हम देख सकते हैं, बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोग को आईना दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आईना पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, और उनके पाव काट में ठोक दिया। दोनों को मारकर बंदी गृह में एक काट पे ठोक कर उनके पावों को रख दिया, इसको पौलुस और सिलास को। उसके बाद 25 वचन में हम देखते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास
प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कब? आधी रात, एकदम 12 बजे के बाद होगा। देखिए, तो दोनों मिलके प्रार्थना किया और भजन गाए, मतलब गाना गाए, स्तुति किया, परमेश्वर को आराधना किया। तो और कैदी उनकी सुन रहे थे, वहां जो बंदीगृह में लोग थे, जेल में थे, वो लोग भी सब लोग सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। ऐसे तुरंत जब आराधना करते रहा, तुरंत भूकंप आ गया, ऐसे नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए, द्वार भी खुल गया, जो बांधा हुआ वो भी खुल गया। तो आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हम इस गाना को हमेशा गाते हैं। मैं रास्ते में भी सोच के आई, ये गाना हमको गाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो भी दिया साथ साथ, जय मेरी है, आज हमको मेरा है करके हम जय को हासिल करना। ऐसा नहीं है लिखा है बस इतना ही नहीं, लिखा है इस पवित्र आत्मा इस बाइबल में लिखा है, किसके लिए? हमारा लिए। जो पौलस सिलास के जीवन में हुआ, क्यों हमारा जीवन में नहीं होगा? पुराना नियम में दाऊद के जीवन में हुआ, दाऊद कहता है मैं ऐसे ही समय में परमेश्वर को विनती किया, वो मेरा सुन ली, मुझे छुटकारा दिया। उसने लिखा है मुझे मृत्यु में नहीं दिया, मैं जिंदा होकर परमेश्वर की बातों को बोलते रहूंगा, मुझे वो प्रकाशन दिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ऐसे करके वो भजन संगीता 118 में लिख रहा है, जय के लिए धन्यवाद बोल रहा है। हम भी बोलना, अभी तक हमारा जीवन में दिया हुआ एक एक जय के लिए हम धन्यवाद बोलने के लिए सीखना। जो नहीं हुआ उसको नहीं देखना, जो हो गया है उसको हम धन्यवाद बोलते रहना, जो नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है। हम पहले भी देखे हैं यरीहो की दीवार गिरने के बाद जय जयकार नहीं बोला, दीवार गिरने के पहले ही जय जयकार बोला, तभी दीवार गिर गई, है ना। उधर भी सब लोग चुप चुप के घूम घूम के आए, 6 दिन एक एक बार घूमा, 7वां दिन 7 बार घूमा। तो यरीहो की दीवार कब गिरा? घूम के आकर सब लोग मिलके जय जयकार किया, तब यरीहो की दीवार टूट गया। तो स्तुति आराधना में सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगा, सारे बंधन को तोड़ देगा, जो बंद है दरवाजा वो खुल जाएगा, यरीहो की दीवार टूट जाएगा, लाल समुद्र से रास्ता खुलेगा, यरदन के अंदर भी रास्ता खुलेगा, जहां भी रास्ता नहीं है वहां रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर का रास्ता ऐसा ही है, समुद्र के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, इंसान सोच भी नहीं सकेगा कैसे इस पानी के अंदर रास्ता खुलेगा, नहीं तुरंत खुलेगा। अभी तो ब्रिज बनाने के लिए टाइम लगती है ना, हाँ पानी के अंदर भी ब्रिज डालते हैं लेकिन टाइम लगती है, धीरे धीरे होते, साल भर की होता है। हमारा यहोवा परमेश्वर चुटके से ही रास्ता खोल दिया, ऐसे लाठी दिखाया, ऐसे वचन बोला, रास्ता खुल गया। हमारा मुंह बहुत जरूरी है, इस मुंह से आराधना भी और श्राप भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक सोता से दो पानी नहीं आएगा, एक कारा पानी एक मीठा पानी, दो पानी नहीं आएगा, एक सोता से एक पानी आएगा। तो एक मुंह से श्राप भी नहीं होना चाहिए, मतलब अविश्वास की बात भी नहीं और विश्वास की बात भी, दोनों नहीं, एक ही होना चाहिए। हमारा मुंह अविश्वास की बातों को नहीं बोलना, विश्वास की बातों को बोलना, वचन को बोलना। विश्वास बात क्या है? वचन है। हमारा कुछ भी विश्वास है ही नहीं है, इंसान के अंदर डर ही रहता है, हमेशा डर, नेगेटिव ही सोचेंगे, ऐसे जाएगा तो गिर जाएगा, ये ब्रिज में जाएगा तो ब्रिज टूट के गिर जाएगा, वो पानी आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे ही इंसान जो सामने आमने सामने होता है उसको ही देखेगा, है ना। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? पाप है, हम पहले पापी थे, लेकिन जब हम मसीह में आ गए, हम उद्धार पा लिए, हम पापी नहीं है, हम धर्मी व्यक्ति,
धर्मी का मुंह में क्या आता है? जीवन का वचन आती है, हाँ? जीवन का पानी आता है। क्यों? हमारे अंदर जीवन की जल यीशु मसीह है और जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है और जीवन है, पुनरुत्थान है, सब हमारे अंदर है। यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो हमारा धर्मियों के मुंह के अंदर से क्या शब्द आना चाहिए? विश्वास की बात आनी चाहिए, विश्वास की कबूलियत आना चाहिए। हमेशा बोलते रहना, सच में मेरे जीवन में मैं आज यहाँ तक यहोवा ने मुझे सहायता किया, हर दिन ये वचन को बोलने के लिए, वो भी पवित्र आत्मा मुझे ऐसे बोलते रहेगा, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, भले मेरे अंदर डर होता तो भी मैं डर को नहीं बोलती, वचन को ही बोल देती। कोई ऐसे बोलेगा मैं तुरंत उसको वचन से ही बदल देती, नहीं नहीं मेरे लिए वो नहीं, मैं तो यीशु मसीह के लव के अंदर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी मुझे हानि पहुंच नहीं पाएगा, मैं यीशु के लव के अंदर हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता के पास मैं बैठा गई हूँ, मैं इधर नहीं हूँ, भले मेरा शरीर इधर है लेकिन मेरा आत्मा मसीह के साथ छुपा हुआ, कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। ऐसे अंदर से कुछ होता तो भी मेरा शरीर में कुछ दिख रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है, तुरंत कैंसिल करती हूँ, जाओ यीशु मसीह के नाम से, शैतान भाग जा, तू मेरे शरीर में नहीं रह पाएगा, मेरे जीवन में नहीं रह पाएगा, मेरे परिवार के अंदर नहीं आ पाएगा, मेरे बच्चों के अंदर नहीं आ पाएगा, मेरा आशीष में तुम हाथ लगा नहीं पाएगा, मैं ज्योति में हूँ, पवित्र आत्मा की आग में शैतान भस्म हो जाएगा। विश्वास करना, कबूल करना, भजन संगीता 91 हमेशा मैं बोलती हूँ, हमेशा मुझे इसमें एक सॉन्ग है, सारा नवरोजनी करके एक सिस्टर थे, अभी नहीं वो विश्व में मर गए प्रभु, वो अभी स्वर्ग में है, उनको स्वर्ग से राग आता है, मतलब गीत आती है जो परम प्रदा के चाहिए, वो गाना है ना, उसका जो भी गीत है वो सारा नवरोजनी अम्मा को वो स्वर्ग में ऐसे लोग गाते हुए उसने देखा तमिल में, तो उस गाना को वो बनाया, उस गाना हिंदी में ट्रांसलेट किया है, परम प्रदा के चाहिए वो गाना। तब सोचिए उस गाना को कुछ साल के पहले मैं तमिलनाडु में थी, तब मैं मोसेस पेट में था उस समय, मैं वहां गई थी, दो बहन, पास्टर ने बोला उस दो बहन को, हमारा बहन एक नई नई प्रभु में आई है, वो वहाँ है, आप जाके बात कीजिए उनसे, मिलिए, दो तीन महीने वहाँ रहेगी, तो ये आप उनसे बातचीत कीजिए करके हमारा ब्रदर ने, पास्टर ने उस बहन को भेजा। वो लोग हमारा गली पूरा ढूंढ ढूंढ के आया, माला करके एक बहन है सूरत से आई है करके पूछ पूछ के आया, क्योंकि उसमें सबको पता है माला है, वो सूरत में रहती है, आई है, तो सब लोग बोला उसी घर है। तो वो बहन रात में 8 बजे हमारा घर पे आई, तो हमारा घर के अंदर हमारा परिवार उस समय हिंदू नहीं थे, मम्मी पापा, तो इसलिए वो लोग को मैं बोली चलिए हम छत पे जाएंगे, ऐसे कुल्ला वाला छत था, रात में 8 बजे थोड़ा अंधेरा भी था, वो लोग हाथ में ऐसे ही उपाय रखे ना, ऐसे भजन ऐसे लेके आए थे, तो दोनों मिलके मेरे लिए प्रार्थना किया, इस गाना को इतना अच्छा सा गाया, मैं पहली बार उस गाना को वहां सुनी, उस बहन दोनों ऐसे गाना गाया, उसको सुनते 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 मेरे अंदर इतना एक ऐसे एक शांति आया, मेरा डर दूर हो गया, ऐसे मेरे को और विश्वास आया। जब भी वो 91 भजन संगीता मैं पढ़ते रहती हूँ, पढ़ते उस समय से पढ़ते 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 रोज पढ़ूंगी, रोज पढ़ूंगी, ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गया, हमेशा कुछ भी परिस्थिति में भी मेरे को वही आएगा, पूरा फटाफट बाइबल देखने का ही जरूरत नहीं, उस समय से ही ऐसे मेरे अंदर से वो गाना, वो बात, वो वचन आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, ऐसे ही गाना के द्वारा, ऐसे ही वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बात किया। अभी वो वचन को रोज सुनती हूँ, रोज बोलती हूँ, सुबह रात दिन, कभी भी मेरा शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होती है, तुरंत पानी को भी लेके ऐसे वो वचन को बोलते हुए
पी लेती हूँ। प्रभु ये आपका लहू है, यीशु मसीह का लहू है, ये रोटी है करके जो भी रोटी खाती हूँ उसको भी मैं खुद प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे लिए थोड़ा गया इस रोटी है, इस वचन है, मैं इस वचन को लेके खाती हूँ पीती हूँ, मैं जिंदा रहूंगी, मैं चंगा रहूंगी। ये हमारा कबूलियत होनी चाहिए, जो परमेश्वर के नाम से हम बोलते रहना, यीशु के नाम को हमको बोलना, उस वचन में हम बने रहना, उस आराधना में स्तुति में हम बने रहना, हमारे लिए चंगाई मिलती है, छुटकारा होती है, बंधन खुलती है, दरवाजा टूटता है, लाल समुद्र रास्ता खुलेगा, एरियो की दीवार टूट के गिरेगा। यहाँ देखना, नींव हिल गया, बंदीगृह की नींव हिल गया, इतना ही नहीं दरवाजा खुल गया, जो भी बांधा हुआ है वो भी खुल गया। वहां की वो एक सेवक था, दारव जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुल देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वो क्या सोचा, वो उठ गया, देख रहा है दरवाजा खुला, सब खुल गया, कैदी भाग गए, तो मुझे वो लोग मार डाल देंगे ना, जिसके लिए वो चौकस करने के लिए दिया, वो लोग भाग गए तो इनका ही ऊपर आएगा ना, तुम ही सो गया होगा, इसके लिए वो लोग भाग गए। वो क्या किया, तलवार लेकर अपने आप को मार डालने के लिए वो हाथ उठाया, परंतु पौलुस ने ऊंची शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही है। वो तुरंत बोलता है, देखिए यीशु मसीह का हम बच्चे हैं, हम किसी को भी नाश होने के लिए हम नहीं बुलाए गए, हम बचाना है, एक भी आत्मा मरना नहीं है। अगर पौलुस दोनों चुपके नहीं रहा, वापस वो पकड़ के भी बंदीगृह में डाल सकता है, लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से छुटकारा मिल गया है वो 100% का छुटकारा ही है, उस छुटकारा का कोई भी वापस नहीं ले पाएगा, शैतान यही बताता है, देखिए वापस उनको छुटकारा ही है। वो तुरंत वो आवाज से बोलता है, मत, अपने आप को नहीं मार डालना। तुरंत वो भाई रुक गया, तो उसके बाद यहाँ लिखा है, तब वो दिया मांगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो दिया जला कर देखता है, दोनों को देखते कांपते हुए वो गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, और कुछ भी नहीं देख, वो कुछ भी बोला भी नहीं, बोलो बल वो लोग नींद हिला, सब कुछ खुल गया। वो तुरंत पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, वो लोग प्रचार भी नहीं किया, यीशु के नाम को नहीं बोला, वो लोग क्या किया, प्रार्थना किया और भजन गाए, आराधना किया, वहां के लोग वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, उन लोग के अंदर भी शांति आई। देख इनका परमेश्वर, नींव हिल गया, दरवाजा भी खुल गया, सब देखिए भूकंप आता तो क्या होता है, सब कुछ टूट के गिर जाता है, नॉर्मली भूकंप में यही होता है, लेकिन यहाँ के भूकंप में देखियो कुछ भी टूट के नहीं गिरा, दरवाजा खुला, बंधन खुला। यहाँ के भूकंप देखिए, ये परमेश्वर करते हैं, जहां हिलाना वो हिलाएगा, नाश होने के लिए नहीं, बचाने के लिए, वहां सब लोग बच गए, सिर्फ अपना ही नहीं, हमारा भाई नहीं, दोनों भाई नहीं, वहां की सब लोग बच गए, सब लोग सुन रहे थे, उनको पता चल गया ये लोग अपना भगवान को पुकारते होंगे, ये क्या करेगा, लेकिन नींव हिला, दरवाजा खुला, बंधन टूट गया, ये सोच रहा है चलो मैं मर जाऊं, लेकिन उनको भी पौलुस बचाया। वो तुरंत पूछ रहा है, मैं क्या करूं उधर पाने के लिए। उधर आप देखते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसके बाद उनका ही नहीं, अब उनके परिवार में जितने लोग हैं उनको वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव धोए, और उसने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उसके बाद पौलुस को लेके गया, उनका जो भी मारा ना उसको गांव को साफ किया, और उसके बाद उनका सारे परिवार को रात में ही बपतिस्मा दे दिया। तुरंत वो पूछ रहा है कि क्या करो, वचन सुनाया,
यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के बारे में सब बताया। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया हमारा पापों के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए। वो हमारा रक्षक है, वो क्रूस पे मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है। विश्वास करो, अनंत जीवन पाओगे। तुरंत उसने हाँ बोला, परिवार वाला भी बोला, सबको बपतिस्मा दिया। फिर इसमें हम देखते हैं, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और उसके बाद भोजन खाना दिया, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सब लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के आनंद किया। आनंद आती है, क्या आती है? आनंद, यही बताने वाली थी। आनंद आता है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की, उद्धार की ध्वनि है। क्यों? आनंद है, आनंद है ना, क्योंकि छुटकारा हो गया, जान बच गया। हमारे लिए नरक नहीं है, हमारे लिए मृत्यु नहीं है, हमारे लिए जीवन है, जीवन की मार्ग खुल गया। अभी हम भजन संहिता 118 में हम जाएंगे, यहाँ लिखा है, यहाँ दाऊद बोलता है, मेरे लीडर लिखा है, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा की द्वार यही है, क्या है? मेरे लिए धर्म के द्वार खोला, मैं उनसे प्रवेश करके यह था धन्यवाद करूंगा। यीशु मसीह थोड़ा गया, उनका शरीर थोड़ा गया, उसके अंदर जीवन का मार्ग खुल गया, उसके अंदर धर्मी प्रवेश होकर हम आनंद मनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे, हम उसके अनुग्रह को जश्न मनाएंगे। यही है धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि है। तो इस बातों को आप विश्वास करना, इस महीने पूरा नहीं, साल पूरा, जितना साल हम इस दुनिया में रहेंगे, जितनी हमारा उम्र भी होगी, कभी ये नहीं भूलना, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे जय जयकार की ध्वनि सुनाया, शैतान की सारे अधिकार को छीन लिया और क्रूस पे किला ठोक कर उनको सब कुछ खत्म कर दिया, और तीसरा दिन जी उठ गया, विजय हुआ, हमारा यीशु मसीह विजय हुआ, शैतान को हरा दिया, हमको विजय दिया है। जो अंदर आते आते हमारा बच्चों लोग भी यही गाना गाता है, हमारा बच्चों लोग भी अंदर आते आते मैंने सुना यही गाना गाया, और दान के समय में भी हम यही गाना गाया। जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है वो पक्का करते हैं। पवित्र आत्मा की वचन आती है बच्चों के द्वारा, किसी के द्वारा भी परमेश्वर बोलते यही वचन है, आज का वचन देखिए, आज का वचन यही है, जय जयकार के ध्वनि सुनाया। इसीलिए हमारा जीवन में भी, हमारा इस शरीर में भी, हमारा परिवार में भी, हमारे कलिशिया के अंदर भी, कहीं भी परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे लिए जय जयकार के ध्वनि है। तो इसको हम विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा बाज का शैतान, जय आज मेरी है, ईश मेरा है, ईश मेरा है, ईशु आज मेरा है। मैंने कहा बाज का शैतान, ईशु आज मेरा है। हालेलुया, जय हमारा है, शांति मेरा है, चंगाई मेरी है, ईशु मेरा है, हम विश्वास करेंगे। हालेलुया, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, यही है यहोवा का पराक्रम का हाथ है, होते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, अब धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रभु धन्यवाद, हर एक बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपने दिया हुआ इस मधुर वचन के लिए धन्यवाद, इस प्रभु जय का गीत के लिए धन्यवाद। हालेलुया, जय जय का प्रभु ध्वनि हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे सुनाया। हालेलुया, हमारा जीवन में भी जय जयकार की प्रभु उद्धार की ध्वनि होते रहेगा, आपका महान पराक्रम की
हाथों से होते रहेगा पिता विश्वास करते हैं। हालेलुया, यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। इस बीज को प्रभु 100 गुना प्रभु फल लाएगा, मैं प्रभु विश्वास प्रभु करती हूँ। मेरे जीवन में भी, यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन के जीवन में भी प्रभु 100 गुना फल को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आपका वचन प्रभु हालेलुया जीवन दायक है। आत्मा से भरा हुआ इस वचन प्रभु ये बढ़ेगा, फूलेंगे, हालेलुया पृथ्वी को भरेगा। हम विश्वास प्रभु करते हैं, हालेलुया आपका वचन, हालेलुया प्रभु बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा प्रभु। आपके नाम से प्रभु सब कुछ प्रभु मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन।